रणबीर कपूर को बॉलीवुड का लाल बच्चा कहा जाता है, लेकिन ये बच्चा जब बीमार बच्चों से मिला तो माहौल में बचपना घुल गया और इतनी बचकानी हरकतें कि बच्चे अपनी बीमारी भूल गए और खूब हंसे। आप खुद देख लीजिए। ये रणबीर की किसी फिल्म का सेट नहीं है, ये एक रियल लोकेशन है और यहाँ रणबीर को हर वो काम करना पड़ रहा है जो उनके निर्देशक करने को बोल रहे हैं। और उनके निर्देशक ये हैं मासूम बच्चे, जो अपने चहीते कलाकार को सामने पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। उधर बच्चों का साथ पाकर रणबीर भी अपने बचपन की यादों में चले गए और जी भरकर बच्चों से बातें की। जब मैं छोटा था तो अगर मेरा कोई फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार था या एक्टर था उनको अगर मैं मिलता तो मेरे लिए भी बहुत एक अहम दिन होता। आई थिंक इट्स लवली एंड आई थिंक मोर देन देन आई हैव अ नाइस टाइम आई थिंक इट वाज मी हू रियली हैड अ ग्रेट टाइम इन टुडे। रणबीर ने बच्चों के साथ न सिर्फ डांस किया बल्कि उन्हें शरारत करने के कुछ टिप्स भी दे डाले। जो कहानियाँ रणबीर ने बचपन में सुनी वो सारी कहानियाँ और उनसे जुड़ी यादें उन्होंने यहाँ बच्चों से बांटी। जब मैंने इसके बारे में सुना I just could not refuse, you know, क्योंकि जो ये हिंदुजा हॉस्पिटल और हिंदुजा फैमिली ने जो इस हॉस्पिटल को जैसे एक फैमिली जैसे बनाई, फैमिली घर बनाया, you know, the way they take care of children, the way they take care of the patients, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं आके बच्चों के साथ टाइम बिता सकता हूँ। वेरी हैड अ लवली टाइम स्पेंडिंग टाइम विद देम। हिंदुजा अस्पताल में इलाज करा रहे बीमार बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाकर रणबीर ने उन्हें बाल दिवस का नायाब तोहफा दिया। जाहिर है इस मुलाकात की यादें दर्द से जूझते बच्चों को कुछ दिन राहत जरूर देंगी। आज तक ब्यूरो।